जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑटो का वेट करना पड़ेगा, तो आज दिस का माहौल है। सब लोग साड़ी में आ रखे है, हम शॉर्ट में। यार व्लॉग में हजूला स्वागत छ। थैंक यू सो मच। आराम हुन्छ सर। हेलो गैस, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक अगेन टुडे व्लॉग, सो एआर व्लॉग। ओके सो गैस, आज स्पेशल डे है, तो आज तीज स्पेशल है, तो सभी लोगों को हैप्पी तीज। एंड आज हम लोग सोच रहे थे कि गणेशपुर पार्क जाए, तो हम मैं और मामा और नानी है साथ में, तो गणेशपुर पार्क जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। काफ़ी टाइम के बाद जा रहे थे तो सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ। ऑटो तो ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो वेट ज़्यादा करना पड़ेगा ऑटो को, तो नहीं कर लेंगे। गैस वहाँ पे आज इतनी स्पेशल है, तो गैस वहाँ पे नाच गान हो सकता है, तो नाच गान बहुत ही अच्छा होता है वहाँ का। एंड पिछली बार जब हम लोग गए थे तब इतना हम लोग ने वीडियो खींचा नहीं था, तो इस बार हम लोग वीडियो भी देखेंगे आप लोगों को वहाँ पे, ठीक है। बाकी मौसम तो ठीक ही है, बारिश पड़ने से अच्छा है गर्मी का रहे, क्योंकि सब लोग साड़ी में नाचने के लिए तैयार होते है, तो वो सब कचरा ना हो, है ना, तो इसलिए बारिश ना हो, भले गर्मी करे कोई बात नहीं। एंड हाँ, एंड सभी लोगों को गाइस हैप्पी थीज। ओके सो 2079 का हैप्पी थीज हमारी तरफ से, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑटो का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैसे फिर हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं। जिस टाइम में ऑटो की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम में आता नहीं है, और इतना धूप में खड़े रह के वेट करना, मतलब यहाँ पे रहने के लिए कुछ भी नहीं है, छत जैसा कुछ भी नहीं है, तो कहाँ मतलब धूप में ही रहना पड़ता है खड़े होकर बस। फाइनली अभी तो हम लोग बाजार तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से हम लोग को लेना पड़ेगा दूसरा ऑटो, तो आगे से लेंगे दूसरा ऑटो, तो यहाँ से नहीं जाते ना, तो आगे दूसरा चौक है, वहाँ से आगे जाएगा, तो चलो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। हम लोग पहुँच चुके हैं वीरेंद्र चौक, तो तुलसीपुर का वीरेंद्र चौक है वो यहाँ पे है। चलो यहाँ से मिलेगा गैस, यहाँ से ऑटो मिलेगा, चलो मुझे ऑटो ऑटो तीनटा टिकट कति तीनटा तो गैस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गणेशपुर पार्क, तो आज तीज का माहौल है, सब लोग साड़ी में आ रखे है, हम लोग शॉर्ट में। गैस पोपट हो गया यहाँ पे, हम लोग सोच रहे थे बहुत बढ़िया नाच गान हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो फुस्सा है, कुछ भी नहीं है यार। तो
तो गाइस ये है पानी का सरोरा जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस है। यहाँ पे तो नाच गान तो नहीं चल रहा है, अब तो थोड़ा बहुत घूम के फिर चलेंगे, जहाँ पे नाच गान होगा वहाँ पे जाएंगे। हाँ सर, यार व्लॉग में हजुरलाई स्वागत छ। थैंक यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ सर? तो गाइस यहाँ गणेशपुर पार्क में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है इसके माहौल में। मैंने सोचा था बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, लेकिन वो है कि सब इतना पहले जैसा ही, बस ये साड़ी लगा के ज्यादा लोग आए हैं, बस यही देखने को मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? नाच गान तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे देखते हैं कैसा होता है, शायद नाच गान हो सकता है। और आज 30 है यार, 30 में नाच गान नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, मतलब नाच नहर जाने से कुल्फी सर दिनु तीन टा गणेशपुर पार्क से तो हम लोग वापस आ गए थे। यहाँ पे बहुत जबरदस्त डांस, मतलब कल्चर डांस चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा है। तो गाइस यहाँ का नाच गान तो बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने देख लिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे कैसा होता है देखते हैं। ठीक है, बाजार यार अब यहाँ से फिर से दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा, मतलब इतना ऑटो चेंज करना पड़ रहा है आज, क्या बताऊँ यार। अभी यहाँ से दूसरा ऑटो लेंगे तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, कहाँ पे भूल गया नाम जगह का नाम, अच्छा हरिपोरा, तो हरिपोरा जाएंगे यहाँ से, तो वही वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे इतना अच्छा, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा डांस होता है, तो वही देखने के लिए बस जा रहे थे। तो आज तीज है तो बस ऐसे ही, मतलब घूमना है ना, तो बस घूमते रहना है। हरिपोरा के लिए एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है अभी, हम लोगों ने दो तीन ऑटो तो ढूंढ लिया बट वो नहीं जा रहे थे, तो मिल नहीं रहा है, देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं। आगे थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे ढूंढते हैं। ऑटो का यही प्रॉब्लम होता है, कभी जाने का मतलब जब जा रहे होते ना तब नहीं मिलता, जब नहीं जा रहे तब मिलेगा। वैसे भी आज 30 का माहौल है ना, तो यहाँ पे सारे रिजर्व होके चलते हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी ऑटो नहीं मिलेगा। तो गाइस हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, अभी डांस तो बहुत मज़ेदार हो रखा था, तो बहुत मज़ा भी आया देख के। लगभग 1-1.5 घंटे तक हम यहाँ पे रहे, तो अब जा रहे हैं, शाम भी हो गया ना,
तो ऑफिस जा रहे हैं, मोबाइल में चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, 5% होगा तो उसी से काम चलाना पड़ रहा है।